विकसित भारत के लिए 400 पार। भारत में चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, सियासी पारा चढ़ा, लेकिन तनाव में आ गया चीन। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव का महापर्व मनाया जा रहा है, लेकिन चीन भारत के चुनावी रंगों को देखकर चक्कर में पड़ गया है। दरअसल चीन की तानाशाही सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स भारत के चुनाव पर जहर उगलता हुआ लिख रहा है। भारत में 7 चरण का आम चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होने वाला है और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरा कार्यकाल चाह रहे हैं। मैं भारत माँ का पुजारी हूँ, विकसित भारत के लिए 400 पार। आज का भारत प्रगति की रफ्तार से कोई समझौता नहीं कर सकता। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग अच्छे से जानते हैं कि भारत में ही नहीं, पीएम मोदी की गारंटी अब पूरे विश्व में गूंज रही है। दुनिया अब भारत को सुनती ही नहीं, मानती भी है। ऐसे में मोदी 400 पार का नारा दे सप्ताह में जीत के हैट्रिक लगाते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल चीन जैसे देशों को होगी। चीन को कहीं ना कहीं खल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, तो ज़रूर मुझे लगता है कि यही कारण है कि उनको इतनी दिलचस्पी है भारत के चुनावों में, और कहीं ना कहीं घबराहट भी है। चीन का डर बता रहा है कि वो भारत के चुनाव से कितना भयभीत है। भारत में 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और अपनी नई सरकार चुनेंगे। इस बात पर भी ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है। भारत में होने वाले इस चुनाव पर चीनी मीडिया काफी ध्यान दे रही है, क्योंकि भारत चीन का पड़ोसी देश है और दोनों देशों के बीच अक्सर सीमा विवाद होते रहते हैं। असल में चीन का दुखड़ा ये भी है कि भारत ने कई चीनी कंपनियों की चालबाजी पर नकेल कसी है। चीनी सरकार का मुखपत्र लिखता है, पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने चीनी कंपनियों से निपटने में कुछ अनुचित कदम उठाए हैं, जिससे चीनी कंपनियों और चीनी लोगों में तीव्र असंतोष पैदा हुआ है। सवाल है कि आखिर चीन भारत के चुनाव में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। पिछले कुछ सालों में जो चीन से बहुत सारी कंपनियां भाग रही है और वो भारत की तरफ रुख कर रही है, तो ये भी उनको मुझे लगता है कि इससे बहुत विपत्ति हो रही है, और ये उनको लग रहा है कि भारत उनके कंपटीशन में खड़ा हो गया तो वो किस तरह मुकाबला कर पाएंगे, ये कहीं ना कहीं परेशानी है। अब आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल में भारत की विकास दर 8% होने की क्षमता है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज का अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% रह सकती है। बार्कलेज ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत का बखान करते हुए कहा कि 2024 से 28 तक देश में 8% की दर से विकास करने की क्षमता है। मतलब ये कि चीन की विकास दर अगले 5 साल के दौरान भारत की ग्रोथ से कम रहने का अनुमान है। हाल ही में RBI गवर्नर ने यह भी कहा था कि भारत की विकास दर सबको चौंकाते हुए 8% के नतीजे तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि चीन को चक्कर आ रहे हैं। अब आपको भारत और चीन के चुनाव का फर्क भी समझा देते हैं। जहां भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है, तो वहीं चीन एक बड़ा तानाशाही देश है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जहां कई राजनीतिक दल हैं और सभी को सत्ता में काबिज होने का बराबर अधिकार है, जबकि चीन में एक दलीय व्यवस्था है और जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति घोषित हो चुके हैं। भारत में कानून बनाने की जटिल प्रक्रिया है, तो चीन का गोपनीय तंत्र है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी जो कहे वही संविधान है। जाहिर है चीन क्या जाने कितनी महान है भारत की चुनाव व्यवस्था, और क्यों यहां के चुनाव को एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।